हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम कैलॉग पर एडिटिंग करने वाले हैं। ओके, तो इससे पहले मैंने एक और एडिटिंग किया है कैलॉग का, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। ओके, तो आज हम कुछ ये फोटो एडिट करने वाले हैं। ओके, तो इसका मैं आपको ओरिजिनल फोटो दिखा देता हूँ कि वो कैसा है, हम उसको कैसा करने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए हम कर रहे हैं पहले अपने चलते ओरिजिनल पिक में, और उसको डायरेक्ट हम अपने पिक्सार्ट में इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, तो चलिए अपना फोटो ये देखिए, अब इसे हम चलते अपने पिक्सार्ट में इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ हमने क्या करना है कि हमें ऐड फोटो में जाना होगा। ऐड फोटो में पहले मैं यूएस को डालूंगा, जो मैंने जो भी पीएनजी में यूज़ करा, आपको सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलो मैं अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ यूएफओ को। वैसे तो ये वाला यूएफओ नहीं है, उसका यूएफओ कहाँ से मैंने उठा, कहीं से भी उठा के ला लिया। ओके, तो नेवर माइंड। तो चलिए देखिए, मैंने इसका नीचा पार्ट यूज कर दिया जो जमीन सेट करा रहा है। ओके, और ये कर दीजिए फायर का पीएनजी, तो ये मैंने उसे खुद बनाया है। ओके, तो अभी मैं इसका अलग अलग भी पीएनजी, अगर आपको अलग अलग डालना है तो उससे डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप सबको जोड़ दिया हूँ और एक पीएनजी तैयार कर दिया हूँ मैं। ओके, तो चलिए इसे सेट कर देता हूँ फोटो के हिसाब से, इस फोटो के लिए बेसिकली है ये। तो मैं इसका अलग अलग दे दूँगा फायर का। ओके, तो इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन करके देखिए, काफ़ी अच्छा सेट हो गया हमारा फायर। ओके, जैसे ये वाला फायर नहीं, ये मैं खुद बनाया वाला हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो थोड़े ऊपर आसमान से जो गोला बारूद गिरते हैं वो डालेंगे। तो इसको भी क्या करेंगे हम, थोड़ा इसको ऐसा टर्न कर लेते हैं और यहाँ से थोड़ा सेट कर लेते हैं। अरे यार, अरे ये कहाँ से खिसक गया, अरे उसको कैसे करूँ। चलिए इसको पहले यहीं से खिसका लेते हैं, सी भाई इजी। ओके, ज़्यादा बुरा था ये। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैं फायर प्रेस करता हूँ, इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देते हैं ताकि लाइट हो जाए। अपना फायर जो उसको प्रेस कर देते हैं, ये देखिए अब अपना इमेज यहाँ कम्प्लीट हो गया है। अब इसे हम डायरेक्ट सेव कर लेते हैं ड्रोन में जाके। इसके बाद हम चलते हैं अपने लाइट रूम के अंदर। ये तो यहाँ मैंने अपने फ़ोटो इंपोर्ट कर लिया है। तो ये देखिए चलते अपने फ़ोटो पे, तो ये देखिए आगे मैं अपना स्क्रॉल ले जाता हूँ, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे इसका थोड़ा। ओके, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे हायर सर्कल का, शेडोज थोड़ा ज़्यादा, वाइट्स बढ़ाएंगे और ब्लैक्स माइनस लूँगा मैं। ओके, थोड़ा तो कलर्स में, कलर्स में आएगा मैं रेड का लुमिनेंस और सैचुरेशन दोनों को बढ़ा रहा हूँ। ऑरेंज का भी लुमिनेंस में थोड़ा सा कम कर, मतलब थोड़ा सा मीडियम ही रहेगा, और सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा दिया हूँ। ओके, यहाँ ग्रीन्स का भी मैं सैचुरेशन लुमिनेंस, ओके, इसको भी बढ़ा रहा हूँ। जो थोड़ा इसका टी शर्ट है उसका भी लुमिनेंस बढ़ा देते हैं, ब्लू का मीडियम रहता है, वाइब्रेंस में बढ़ा दे रहा हूँ, और टेम्परेचर थोड़ा प्लस कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया। अब चलते अपने स्प्लिट टोन में, स्प्लिट टोन में जाएंगे तो ये हल्का जो ग्रीनिश शेड है मेरा एकदम जस्ट बाजू वो ले रहा हूँ। हाईलाइट्स और शेडोज के लिए मैं हल्का एक्वा तरफ जा रहा हूँ, मतलब एकदम डाउन में, तो मैं मोस्ट पार्ट ग्रीनिश कर रहा हूँ। तब मैं कह रहा हूँ क्लैरिटी बढ़ा देंगे फोटो की, डीएस थोड़ा कम, ओपिनिटी थोड़ा माइनस में लेंगे अपन। ओके, तो ये हो गया काम। अब चलते हैं शार्पनिंग बढ़ा देते हैं और नॉइस रिडक्शन भी बढ़ा देते हैं फोटो की। ओके, तो इतना काम हो गया अपना। अब क्या करते हैं, थोड़ा हाईलाइट्स में बढ़ा देता हूँ हल्का सा, और ठीक है। अब चल, अब कहाँ जाएंगे, सेलेक्टिव में ग्रेडियंट वाले सेलेक्ट करके जो ऊपर स्काई है वहाँ पर सेलेक्ट करके मैं एक्सपोजर थोड़ा डाउन कर दूंगा। ओके, यहाँ पर और कलर्स में थोड़ा जो ब्लू स्टोन है वो दूंगा मैं इस ऊपर तरफ। ओके, तो ये देखिए काफ़ी अच्छा स्काई बन गया है अपना। और ये जो अपना लेफ्ट साइड है वहाँ पर मैं सेलेक्ट करके वहाँ का एक्सपोजर डाउन करूँगा थोड़ा सा। ओके, और जो अपना राइट साइड है वहाँ पर भी इसी सेम ले सेम करके वहाँ का एक्सपोजर मैं थोड़ा हाई करूँगा। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइट्स वहाँ पर नहीं, सर थोड़ा सा डार्क ही है। ओके, तो ये देखिए काफ़ी अच्छा पिक रेडी हो गया है अपना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, काफ़ी मस्त एडिट हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए मेरे को। ओके, तो फिर अब चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।